दर्शन में समत्व योग जीवन प्रक्रिया की सहज प्रवृत्ति है। समत्व जीवन के समग्र प्रयास समत्व के लिए है। जहाँ भी जीवन है, चेतना है, चाहे वह कितनी ही प्रसुप्त क्यों न हो, वहाँ हमें विक्षोभों के निराकरण के द्वारा समत्व को बनाए रखने के प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। चेतन जीवन का प्रमुख स्वभाव यह है कि वह बाह्य और आंतरिक उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं से चेतना में उत्पन्न क्षोभ को विनष्ट कर साम्यावस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। फ्रायड के शब्दों में चेतसिक जीवन और संभवतया स्नायु जीवन की भी यह प्रमुख प्रवृत्ति है कि आंतरिक उद्दीपकों के तनाव को समाप्त करना एवं साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासशील बना रहना। एक लघु कीट भी वातावरण से अपने को समायोजित करने का प्रयास करता रहता है। यह बात भिन्न है कि वह किसी मात्रा में यह समायोजन कर पाता है। समत्व को बनाने का समायोजन करने की प्रक्रिया जीवन का सामान्य लक्षण है। चेतन सदैव समत्व केंद्र की ओर बढ़ना चाहता है। यह चेतन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। समत्व की उपलब्धि करना यही जीवन प्रक्रिया का सार है। समत्व जीवन का स्वभाव, साम्य या समत्व चेतन जीवन का स्वभाव है, क्योंकि जीवन के सभी प्रयास उत्पन्न विक्षोभ या विषमता के निराकरण के लिए है। स्वभाव वह है जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता। विक्षोभ एवं विषमता का निराकरण किया जाता है, अतः वे स्वभाव नहीं विभाव है। साम्य या समत्व लाया नहीं जाता, वरन विक्षोभ और विषमता के हटते ही स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वभाव निष्कारण होता है, किंतु विभाग का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। समत्व का कोई कारण नहीं बताया जा सकता है, लेकिन विक्षोभ सदैव ही सकारण होते हैं, अतः समत्व ही चेतन जीवन का स्वभाव सिद्ध होता है। जैन दर्शन एवं गीता में इसी स्वस्वभाव समत्व को हमारी आध्यात्मिक सत्ता का सार और जीवन का परम श्रेय माना गया है। जैनागम व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा गया है, आत्मा ही समत्व है और समत्व ही आत्मा का साध्य है। गीता कहती है कि ब्रह्म सम है, ईश्वर समत्व रूप से सभी प्राणियों में स्थित है। जैनाचार्य कुंद ने तो आत्मा को समय सार कहा है। समत्वम यस्य सारम तत् समय सार, यह समत्व क्या है इसे स्पष्ट करते हुए प्रवचन सार में वे कहते हैं, आत्मा की मोह और क्षोभ से रहित अवस्था ही समत्व है। जीवन की विषमताएं क्या है? यदि हम कहें कि जीवन का लक्ष्य समत्व का संस्थापन है, समत्व योग की साधना है, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि समत्व से च्युति का कारण क्या है। जैन दर्शन में मोह जनित आसक्ति ही आत्मा के अपने स्व केंद्र से च्युत का कारण मानी गई है। जैसा कि आचार्य कुंद का कथन है कि मोह क्षोभ से रहित आत्मा की अवस्था सम है, अतः दूसरे शब्दों में मोह और क्षोभ से युक्त चेतना का आत्मा की अवस्था यही विषमता है। सतत शारीरिक एवं प्राणमय जीवन के अभ्यास के कारण चेतना बाह्य उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं से प्रभावित होने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। इसके आधार पर चेतन जीवन उपयोगी अल्प पदार्थों में समत्व का आरोपण कर अपने सहज समत्व केंद्र का परित्याग करता है। सतत अभ्यास जन्य अज्ञान ही उसे समत्व के केंद्र से च्युत करके बाह्य वस्तुओं में आसक्त रहने वाला या बाह्यमुखी बना देता है। चेतन अपने शुद्ध दृष्टत्व साक्षीपन को भूलकर बाह्य वातावरण जन्य परिवर्तनों से अपने प्रभावित समझने लगता है। ममत्व बुद्धि से वह शरीर, परिवार एवं संसार के अन्य पदार्थों पर ममत्व करता है। वह पर पदार्थों की प्राप्ति, अप्राप्ति या संयोग वियोग में अपने को सुखी या दुखी मानता है। इस मान्यता के कारण उसमें पर के प्रति आकर्षण या विकर्षण का भाव उत्पन्न होता है और वह पर के साथ तादात्म्य संबंध से वह बंधन को प्राप्त होता है। पर में आत्मा शुद्धि से प्राणों में असंख्य इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, उद्योगों का जन्म होता है। प्राणी उनके वशीभूत हो उनकी पूर्ति एवं तृप्ति हेतु सदैव आकुल रहता है। यही आकुलता उसके दुख का मूल कारण होती है। वह इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा उन्हें शांत करना चाहता है, परंतु नई नई कामनाओं के उत्पन्न होने से सदैव ही आकुल या अशांत बना रहता है और बाह्य जगत में उनकी पूर्ति के लिए मारा मारा फिरता है। आचार सूत्र में कहा गया है, यह मनुष्य अनेक चित्त है, अर्थात अनेकानेक कामनाओं के कारण मनुष्य का मन बिखरा हुआ रहता है। वह अपनी कामनाओं की पूर्ति क्या करना चाहता है, एक तरह छलनी को जल से भरना चाहता है। यह आसक्ति या राग न केवल उसे समत्व के स्व केंद्र से च्युत करता है, वरन उसे बाह्य वस्तुओं के आकर्षण क्षेत्र में खींचकर उसमें तनाव भी उत्पन्न कर देता है। पंडित शुक्लायल जी का कथन है कि यह रस यानी आसक्ति ही राग द्वेष जैसे क्लेशों का प्रेरक तत्व है। इस तरह चेतन या चित्त का वृत्ति चक्र अज्ञान एवं क्लेशों के आवरण से इतना अधिक आवृत्त एवं अवरुद्ध हो जाता है कि उसके कारण जीवन प्रवाह पतित ही बना रहता है। अज्ञान, अविद्या अथवा मोह वस्तुतः चेतनगत समत्व केंद्र को ही आवृत्त करता है, जबकि उसमें से
पैदा होने वाला क्लेश चक्र यानी रागादि भाव बाह्य वस्तुओं में ही प्रवृत्त रहता है। हम जैसे ही बाह्य जगत में रस लेने के हेतु उसमें अपना आरोपण करते हैं, आसक्ति रखते हैं, वह हमारे लिए स्व बन जाता है और उससे भिन्न पर बन जाता है। आत्मा की समत्व के केंद्र से चुती ही उसे स्व और पर के दो विभागों में बांट देती है। नैतिक चिंतन में जिन्हें हम क्रमशः राग और द्वेष के नाम से जानते हैं, राग आकर्षण का सिद्धांत है और द्वेष विकर्षण का सिद्धांत है। अपना पराया राग द्वेष अथवा आकर्षण एवं विकर्षण के कारण हमारी चेतना में सदैव ही तनाव संघर्ष अथवा द्वंद्व बना रहता है। यद्यपि चेतना या आत्मा अपनी स्वाभाविक शक्ति के द्वारा सदैव साम्यावस्था एवं संतुलन का प्रयास करती रहती है, लेकिन राग एवं द्वेष की उपस्थिति किसी भी स्थायी संतुलन की अवस्था को संभव नहीं होने देती। यह आसक्ति या राग न केवल उसे समत्व के स्व केंद्र से च्युत करता है, वरन उसे बाह्य वस्तु के आकर्षण क्षेत्र में खींच कर उसमें एक तनाव भी उत्पन्न कर देता है और इस तनाव के कारण चेतन दो केंद्रों में पट जाता है। इन दो केंद्रों पर स्थित चेतना के स्तरों को मनोविज्ञान में क्रमशः अंतर्मुखी चेतना और बहिर्मुखी चेतना कहते हैं। चेतना के इन दो स्तरों पर चेतना में एक दोहरा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। चेतना के अपने अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी पक्षों में अथवा दूसरे शब्दों में हमारी आत्मा के आदर्शात्मक पक्ष और वासनात्मक पक्षों में तथा दूसरा हमारे वासनात्मक पक्ष का बाह्य वातावरण के साथ जिसमें वह अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इस विकेंद्रीकरण और तद्जनित संघर्ष में आत्मा की सारी शक्तियाँ टूट जाती है, कुंठित हो जाती है। उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है कि राग और द्वेष ही कर्म बीज है। वस्तुतः समस्त विक्षोभों का मूल कारण यही राग और द्वेष की वृत्तियां सिद्ध होती है। राग और द्वेष से ऊपर उठना सम्यक जीवन की अनिवार्यता है। गीता का नैतिक आदर्श भी इस द्वंद्वातीत समत्व की अवस्था की उपलब्धि है। गीता कहती है कि सतत सानिध्य से काम तृष्णा उत्पन्न होता है और उससे क्रोधादि अन्य विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जो कि अंत में सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। गीता के अनुसार इच्छा, राग एवं द्वेष से समुत्पन्न यह द्वंद्व ही अज्ञान है। इस द्वंद्व से ऊपर उठकर ही परमात्मा की स्थिति संभव होती है और जो इस द्वंद्व से विमुक्त हो जाता है वही परम पद मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जैन विचारनामे समत्व योग। जैन विचारनामे आध्यात्मिक साधना का मार्ग समत्व योग कहा जा सकता है। यदि समग्र जैन साधना को एक ही शब्द में कहना हो तो कह सकते हैं वह समत्व की साधना है, जिसे जैन पारिभाषिक शब्दावली में सामयिक कहा जाता है। समता, सम्यक्त्व, शांति, सुविहित आदि शब्द सामयिक के पर्यायवाची है। सामयिक शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से निष्पन्न होता है। अय धातु के तीन अर्थ है, प्रापन, ज्ञान और गमन। प्रापन शब्द प्राप्ति का, ज्ञान शब्द विवेक का और गमन शब्द क्रिया का द्योतक है। इस प्रकार इसमें संभाव की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र तीनों का समावेश है। वस्तुतः समत्व स्वभाव से युक्त चेतन अपने ज्ञान, भाव, चित्त वृत्ति और संकल्प रूपी तीनों पक्षों के द्वारा ही क्रमशः सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के रूप में स्वस्वरूप की साधना में प्रवृत्त होता है। समत्व से युक्त होकर ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग बनते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने इसी आधार पर सम्यक व सामायिक, श्रुत सामयिक और चारित्र सामयिक ऐसे सामयिक के तीन भेद माने हैं। सम्यक व सामयिक का अर्थ सम्यक दर्शन, श्रुत सामयिक का अर्थ सम्यक ज्ञान और चारित्र सामयिक का अर्थ सम्यक चारित्र है, जिन्हें आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषा में चित्तवृत्ति का, भाव का समत्व, बुद्धि का समत्व और आचरण का समत्व कह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन विचारना में प्रस्तुत त्रिविध साधना पथ वस्तुतः समत्व योग की साधना ही है, जिसे चेतना के तीन भाव, ज्ञान और संकल्प के आधार पर त्रिविध रूप में विवेचित किया गया है। भाव, ज्ञान और संकल्प के सम बनाने का प्रयास ही यही समत्व योग की साधना है। जैन दर्शन में समत्व योग के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है, व्यक्ति चाहे दिगंबर या श्वेतांबर हो या बौद्ध हो अथवा अन्य किसी मत का पालन करने वाला हो, किसी मत का पालन जो भी संभाव की स्थिति में होगा वह निसंदेह ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक आदमी प्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करता है और दूसरा समत्व योग की साधना करता है तो वह स्वर्ण मुद्राओं का दान करने वाला व्यक्ति समत्व योग की साधना करने वाले की समानता प्राप्त नहीं कर सकता। करोड़ों जन्मों तक निरंतर उग्र तपश्चरण करने वाला साधक जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता उनको संभाव का साधक क्षण मात्र में ही नष्ट कर डालता है। चाहे कोई कितना ही तीव्र तपे, जब जपे अथवा मुनिवेश धारण कर स्थूल क्रियाकांड और उपचारित्र पाले, परंतु संभाव के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है और न होगा। जो भी साधक अतीत काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, यह सब समत्व योग का प्रभाव है। आचार्य हेमचंद्र संभाव की साधना को राग विजय का मार्ग बताते हुए कहते हैं, तीव्र आनंद को उत्पन्न करने वाले संभाव रूपी जल में अवगाहन करने वाले पुरुषों का राग द्वेष रूपी मल सहसा ही नष्ट हो जाता है। समता भाव का अवलंबन करने से अंतर्मुहूर्त में मनुष्य जिन कर्मों को विनष्ट कर डालता है वे तीव्र तपश्चर्या से करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकते। जैसे आपस में चिपकी हुई वस्तुएं बांस आदि की सलाई से पृथक की जाती है, उसी प्रकार परस्पर बद्ध कर्म और जीवन की आत्मा समत्व भाव की शलाका से पृथक कर देता है। संभाव रूप सूर्य के द्वारा राग द्वेष और मोह का अंधकार नष्ट कर देने पर योगी अपनी आत्मा में परमात्मा का स्वरूप देखने लगता है।
समत्व योग का प्रयोग हम जिस अर्थ में कर रहे हैं उसके प्राकृत पर्यायवाची शब्द सामा है या समा ही है। जैन विचारना में समत्व योग का क्या अर्थ है इसे समझने के लिए हमें इन शब्दों के अर्थों की ओर जाना होगा। आचार्य कुंदकुंद के नियमानुसार नियम सार में समत्व की साधना को निम्न रूप में विवेचित किया है। सर्व पाप कर्मों से निवृत्ति, समस्त इंद्रियों का सुसमाहित होना, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं आत्मवत दृष्टि, तप, संयम और नियमों के रूप में सदैव ही आत्मा का सानिध्य, समस्त राग और द्वेष जन्य विकृतियों का अभाव, आर्त एवं रौद्र चिंतन तथा हास्य रति, शोक अरति, भय, घृणा एवं काम वासना आदि मनोविकारों की अनुपस्थिति और प्रशस्त विचार, यहाँ आर्हत दर्शन में समत्व का स्वरूप है। जो इसमें स्थित है वही समत्व की साधना में स्थित है। जैन आचार्यों ने इस शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। उनमें कुछ प्रमुख व्याख्याएं इस प्रकार है कि सम अर्थात राग और द्वेष का वृत्तियों से रहित मनस्थिति को प्राप्त करना समत्व योग यानी सामयिक है। शम जिसका प्राकृत रूप भी सम है अर्थात क्रोधादि कषायों को शामित यानी शांत करना समत्व योग है। श्रम जिसका प्राकृत रूप भी सम है अर्थात सत प्रयास। सम शब्द का अर्थ अच्छा है और अयन शब्द का अर्थ आवरण है, अतः अच्छा आचरण भी समत्व योग सामयिक है। सम का अर्थ एक ही भाव है और अय का अर्थ गमन है अर्थात एक ही भाव के द्वारा बहिर्मुखता पर परिणति से वापस मुड़कर अंतर्मुख होना या आत्मा की ओर जाना, यही समत्व की साधना है। दूसरे शब्दों में आत्मा का स्वस्वरूप में रमन करना या स्वभाव दशा में होना, यही समत्व योग है। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं आत्मवत दृष्टि रखना, यह समत्व योग है। आर्य महापुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है। साधक न जाने की आकांक्षा करे और न मरने की कामना करे, वह जीवन और मरण दोनों में ही किसी तरह की आसक्ति न रखे, समभाव से रहे। साधक को अंदर और बाहर की सभी ग्रंथियों यानी बंधन रूपी गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने पर भी साधक अंतर्मन में समभाव रखे। इधर उधर गति एवं हलचल करता हुआ भी साधक नीचा नहीं है, अंतरंग में अविचल एवं समाहित है, अतः मन को ऊंचा नीचा अर्थात डावाडोल नहीं करे। साधक को सर्वत्र सम रहना चाहिए। जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है वस्तुतः वही श्रमण है, समता से ही श्रमण कहलाता है। तृण और कनक यानी सोने में जब समान बुद्धि संभाव रहती है तभी उसे प्रवज्जा कहा जाता है। जो न राग करता है न द्वेष करता है वही वस्तुतः मध्यस्थ यानी सम है, बाकी सब अमध्यस्थ है। अतः साधक सदैव यह विचार करे कि सब प्राणियों के प्रति मेरा संभाव है, किसी से मेरा वैर नहीं है। व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन की प्रमुख विषमताएं तीन है, आसक्ति, आग्रह एवं अधिकार भावना। यही वैयक्तिक जीवन की विषमताएं सामाजिक जीवन में वर्ग विद्वेष, संप्रदायवाद एवं शोषण वृत्ति के रूप में कार्य करती है। हिंसा, युद्ध, वर्ग संघर्ष इन्हीं के परिणाम है। इन विषमताओं के कारण उद्भूत संघर्षों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष जो आदर्श और वासना के मध्य है, यह इच्छाओं का संघर्ष है, इसे चेतसिक विषमता कहा जा सकता है। इसका संबंध व्यक्ति का स्वयं से है। दूसरा व्यक्ति और वातावरण का संघर्ष, व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और अन्य इच्छाओं की पूर्ति बाह्य जगत में करता है। अनंत इच्छा और सीमित पूर्ति के साधन इस संघर्ष को जन्म देते हैं, यह आर्थिक संघर्ष अथवा मनोभौतिक संघर्ष है। तीसरा व्यक्ति और समाज का संघर्ष, व्यक्ति अपने अहंकार की तुष्टि समाज में करता है, उस अहंकार को पोषण देने के लिए अनेक मिथ्या विश्वासों का समाज में सृजन करता है, यह वैचारिक संघर्ष को जन्म देता है। ऊंच नीच का भाव, धार्मिक मतांधता और विभिन्नवाद उसी का परिणाम है। चौथा समाज और समाज का संघर्ष, जब व्यक्ति सामान्य हितों और सामान्य वैचारिक विश्वासों के आधार पर समूह या गट बनाता है तो सामाजिक संघर्षों का उदय होता है। उसका आधार आर्थिक और वैचारिक दोनों ही हो सकता है। जैसा कि हमने पूर्व में सुना कि समग्र संघर्षों का मूल हेतु आसक्ति, आग्रह और संग्रह वृत्ति में निहित है, अतः जैन दार्शनिकों ने उनके निराकरण के हेतु अनासक्ति, अनाग्रह एवं अहिंसा तथा असंग्रह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वस्तुतः व्यावहारिक दृष्टि से चित्तवृत्ति का समत्व अनासक्ति या वितरागता में, बुद्धि का समत्व अनाग्रह या अनेकांत में और आचरण का समत्व अहिंसा एवं अपरिग्रह में निहित है। अनासक्ति, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह सिद्धांत ही जैन दर्शन में समत्व योग की साधना के चार आधार स्तंभ है। व्यावहारिक दृष्टि से समत्व योग की साधना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। समत्व योग के दो निष्ठा सूत्र, एक संघर्ष के निराकरण का प्रयत्न ही जीवन के विकास का सच्चा अर्थ और दूसरा सभी मनुष्यों की मौलिक समानता पर आस्था। समत्व योग का पहला सूत्र है संघर्ष नहीं, संघर्ष और तनाव को समाप्त करना ही वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन को प्रगति का सच्चा स्वरूप है। अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर संघर्ष के निराकरण में अस्तित्व का सूत्र अपनाना होगा। जीवन संघर्ष में नहीं वरन उसके निराकरण में है। जैन दर्शन न तो इस सिद्धांत में आस्था रखता है कि जीवन के लिए संघर्ष आवश्यक है और न यह मानता है कि जीव और जीने दो का नारा ही पर्याप्त है। उसका सिद्धांत है जीवन के लिए जीवन का विनाश नहीं वरन जीवन के द्वारा जीवन का विकास या कल्याण। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवन का नियम संघर्ष का नियम नहीं वरन परस्पर सहकार का नियम है।
दूसरा है कि आत्मा की दृष्टि से सभी प्राणी समान है, यह जैन दर्शन की प्रमुख मान्यता है। इसके साथ ही जैन आचार्यों ने मानव जाति की एकता को भी स्वीकार किया है। वर्ण, जाति, संप्रदाय और आर्थिक आधारों पर मनुष्यों में भेद करना मनुष्यों की मौलिक समता की दृष्टि से ओझल करना है। वह सभी मनुष्य समाज में समान अधिकारों से युक्त है। यह निष्ठा साम्य योग के सामाजिक संदर्भ का आवश्यक अंग है। इसके मूल में सभी मनुष्यों को साध्य या समान अधिकार से युक्त समझने की धारणा रही हुई है। यह सामाजिक न्याय का आधार है जो सामाजिक संघर्ष को समाप्त करता है। समत्व योग के क्रियान्वयन के चार सूत्र है। पहला है वृत्ति में अनासक्ति। अनासक्त जीवन दृष्टि का निर्माण यह समत्व योग की साधना का प्रथम सूत्र है। अहंकार और ममत्व का विसर्जन समत्व के लिए आवश्यक है। अनासक्त वृत्ति में ममत्व और अहंकार दोनों का पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जब तक अहम और ममत्व बना रहेगा समत्व की उपलब्धि संभव नहीं होगी, क्योंकि राग के साथ द्वेष अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। जितना अहम और ममत्व का विसर्जन होगा उतना ही समत्व का सर्जन होगा। अनासक्ति चेतसिक संघर्ष का निराकरण करती है एवं चेतसिक समत्व का आधार है। बिना चेतसिक समत्व के सामाजिक जीवन में साम्य की उद्भावना नहीं हो सकती। दूसरा, विचार में अनाग्रह। जैन दर्शन के अनुसार आग्रह एकांत है और इसलिए मिथ्यात्व भी है। वैचारिक अनाग्रह समत्व योग की एक अनिवार्यता है। आग्रह वैचारिक हिंसा भी है। वह दूसरे के सत्य को अस्वीकार करता है तथा समग्र वैचारिक संप्रदायों एवं वादों का निर्माण कर वैचारिक संघर्ष की भूमिका तैयार करता है। वैचारिक समन्वय समत्व योग का एक अपरिहार्य अंग है। यह वैचारिक संघर्ष को समाप्त करता है। तीसरा, वैयक्तिक आचरण में असंग्रह। अनासक्त वृत्ति को व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए असंग्रह आवश्यक है। यह अनासक्ति का समाज जीवन में व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रमाण है और सामाजिक समानता के निर्माण की आवश्यक कड़ी भी है। समाज जीवन में आर्थिक विषमता का निराकरण असंग्रह के वैयक्तिक साधना के माध्यम से ही संभव है। चौथा, सामाजिक आचरण में अहिंसा। जब पारस्परिक व्यवहार अहिंसा पर अधिष्ठित होगा तभी सामाजिक जीवन में शांति और साम्य संभव होंगे। जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा का मूल आधार आत्मदृष्टि है और अहिंसा की व्यवहार्यता अनासक्ति पर निर्भर है। वृत्ति में जितनी अनासक्ति होगी व्यवहार में उतनी ही अहिंसा प्रकट होगी। जैन आचार्यों की दृष्टि में अहिंसा केवल निषेधात्मक नहीं है वरन वह विधायक भी है। मैत्री और करुणा उसकी एक पहलू है। अहिंसा सामाजिक संघर्ष का निराकरण करती है। जैन दर्शन के अनुसार वृत्ति में अनासक्ति, विचार में अनेकांत, अनाग्रह, वैयक्तिक जीवन में असंग्रह और सामाजिक जीवन में अहिंसा, यही समत्व योग की साधना का व्यावहारिक पक्ष है। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय आनंद।